नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस Q&A सीरीज में। और आज के सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है जसमीत सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं कि हाय सर, मेरे पास 2010 होंडा सिटी है जिसकी परफॉर्मेंस इंजन वाइज बहुत लाजवाब है और स्टेबिलिटी भी जबरदस्त। ये तो है, मैं एक हैचबैक लेने का प्लान कर रहा हूँ जो उसी की जैसी अच्छी परफॉर्मेंस दे और स्टेबल भी हो। पेट्रोल होनी चाहिए और 4 से 5 लाख का उनका बजट है और चाहिए इनको सेकंड हैंड। अच्छा, सेकंड हैंड चाहिए। तो भैया, पहली बात तो ये कि बिल्कुल अगर होंडा सिटी वाली परफॉर्मेंस आप चाहते हैं तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। लेकिन आप सेकंड हैंड के ऊपर जा रहे हैं तो आपको मार्केट में काफी सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, पोलो टाइप की। हाँ, पोलो जीटी पे अभी जा सकते हैं, 4 से 5 लाख में आपको सेकंड हैंड मिल सकती है वो, और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। नहीं तो और आप कुछ ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हैं, बलेनो टाइप के। हाँ, बलेनो टाइप के, बलेनो नई के ऊपर ही आप चले जाइए अगर आपको वो है तो। बलेनो नई का देखिए, परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक है वो गाड़ी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज हम गारंटी नहीं लेते हैं भाई उसकी। और आप अगर बात कर रहे हैं फ्री स्टाइल कैसा रहेगा ऑप्शन, तो मैं फ्री स्टाइल ही बोलने वाला था, लेकिन जो है स्मूथनेस आपको सिटी जैसी नहीं मिलेगी उसमें। तो अगला सवाल है स्वान जांगरा का, एलाइट 820 पेट्रोल मैग्ना प्लस या i10 नियोस पेट्रोल स्पोर्ट मॉडल या अल्ट्रोज या टियागो, इनमें से बेस्ट कार कौन सी है? फर्स्ट कार ले रहे हैं, मजा चलाने में ज्यादा किस में आएगा? और कैंटीन से लें या बिना कैंटीन के ही लें, अच्छा कौन सा रहेगा? मारुति की लेनी नहीं है यार, तो कैंटीन से ही लो ना यार, जहां आपके पैसे बचेंगे वहीं से लो आप, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, चलाने में मजा आने वाली गाड़ी यहाँ पर जो है इनमें पेट्रोल में तो i20 नहीं है मजे वाली, i10 में थोड़े मजे आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा मजा आ सकता है आपको। हाँ, और मेरे ख्याल से अगर चलाने की बात है तो अल्ट्रोज टियागो और उसकी बजाय भी मेरे ख्याल से नियोस में थोड़ा सा मजा आएगा इनको चलाने में। लेकिन नियोस के सस्पेंशन उस लायक नहीं है, उनके बराबर के नहीं है, अल्ट्रोज और टियागो के बराबर के, थोड़े से सॉफ्टर साइड में। हाँ, लेकिन आपकी प्रेफरेंस आपको चलाने में मजेदार, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्ट्रोज वगैरह का जो है बिल्कुल भी ऐसा ही डल इंजन है, नहीं आप, लेकिन डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको वहां पर भी मिल जाएगी। सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी है, नई गाड़ी है ये, दिखने में भी काफी अच्छी है, और आपको CSD के थ्रू, मतलब कि कैंटीन के थ्रू आपको सस्ते में भी शायद पड़ रही होगी। तो अगला सवाल है यहाँ पर चौधरी आकाश का, भाई एक तगड़ी सी सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, 3 लाख तक का बजट है, मैंने कोरोला, होंडा सिटी, IVTEC या क्रूज सोची है, ज्यादा ट्रिप्स लगते हैं फ्रेंड के साथ, और हाँ प्लीज मेंटेनेंस और बताना तीनों का कि अगर कुछ खराब होता है तो क्या कॉस्ट आएगी रिपेयर की, एंड आई एम PhD स्कॉलर, तो डेली कॉलेज जाना होता है तो थोड़ा सा बढ़िया लगे बस। देखो, आपकी कोरोला है, होंडा सिटी है, और कोरोला में आपने ये नहीं बताया कि पेट्रोल है या फिर डीजल है, सिटी में आपने बताया कि पेट्रोल है, क्रूज ऑब्वियसली आप डीजल में ही लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा ट्रिप्स लगते हैं। अब देखो यार, ट्रिप्स में शेयरिंग वाला खर्चा है तो आप पेट्रोल पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, पेट्रोल पे भी जा सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको, पहली बात तो सबसे बढ़िया डिसीजन लिया आपने कि आप सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, पैसे भी बचते हैं, बढ़िया गाड़ी भी आ जाएगी, तीनों ही बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन आप यहाँ पर क्रूज को जो है वो थोड़ा सा हटा दो, ठीक है, इस टाइम एटलीस्ट हटा दो वहां पर, क्योंकि आपको इसके पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे और सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो भी आपको ज्यादा महंगी थोड़ी सी पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो चीज। अब बात करते हैं ऑल्टिस की, आप ले लीजिए, तो ऑल्टिस डीजल एक बहुत ही डिसेंट गाड़ी है, डिसेंट तरीके से चलाने वाली गाड़ी है, वो अगर आपको मिल जाती है आंख बंद करके ले लो, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। मैंने आप इन्होंने ओनरशिप एक्सपीरियंस भी करा था शायद, और मैंने भी करा हुआ है, तो उस टाइप की अगर गाड़ी आपको मिल जाती है बेझिझक आप ले लो। शेयरिंग वाली बात आती है, पेट्रोल गाड़ी के ऊपर जाना है तो सिटी भी मानी हुई गाड़ी है यार, और सिटी आपको अच्छी कंडीशन में मिल भी जाएगी, बिल्कुल सिटी में आपको उतना सरदर्द नहीं होगा। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सिटी की सर्विस आराम से बाहर अगर आप कराते हैं 4 से 5 हजार में आराम से हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ऑल्टिस डीजल की भी ज्यादा महंगी सर्विस नहीं है यार बाहर, मतलब कि ये लगा लो कि 7-8 के आसपास जो है वो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इसकी, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगला सवाल है लॉस्ट इन द वर्ल्ड, इनका नाम है वैसे क्षितिज, नाम है इनका क्षितिज, और हम सेकेंड हैंड कार परचेज करने की सोच रहे हैं, बट थोड़े कंफ्यूज हैं, स्कोडा सुपर्ब या लोरा 2011 पेट्रोल में एंड सिविक में भी, कैन यू हेल्प मी? भैया कौन सी कार सही रहेगी? सिविक हटा दो,
यार मैं तो ये कहूंगा कि लोरा और सुपर भी हटा दो। देखो एक तो आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, और तीनों ही ऐसी गाड़ियां चूज करी हैं जो कि आपको बाद के अंदर सेध सकती हैं। इनके पार्ट्स महंगे आएंगे, इनकी सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी, हालांकि आपको लग्जरी थोड़े दिन के लिए मिल तो जाएगी लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा सेध देगी। समझदारी वाला डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है यार, इन तीनों गाड़ियों को थोड़ा सा इग्नोर करो, उसी प्राइस के अंदर और बेहतर गाड़ियां आपको मिल सकती है। और ये सही बात बताऊं, ये गाड़ी जो है ना थोड़ी सी शोशेबाजी के लिए है, आप इसे डेली ड्राइवर थोड़ा सा बनाना अगर चाहें तो आपकी जेब में थोड़ी सी भारी पड़ेंगी ये गाड़ियां। यार सुपर्ब और लोरा कुछ ना कुछ सलफ जो है ना अपनी लाइट्स आई ही रहती हैं कि आज इसके अंदर ये है, आज इसके अंदर वो है, सरदर्दी बन जाती है। तो अगला सवाल है दिव्य राज सिंह जी का, उन्होंने पूछा है कि 1.5 लाख में सेल 1.2 पेट्रोल बेस, आपने मॉडल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर होती तो हमारा थोड़ा सा डिसीजन एग्जैक्टली हम बता देते कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सागर पूछ रहे हैं कि हेलो सर, आई एम प्लानिंग फॉर न्यू टियागो एग्जिट, प्लीज सजेस्ट। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज बिटवीन टियागो एंड सेलेरियो ZXI। देखो यार सेलेरियो कहाँ है और टियागो कहाँ है, जमीन आसमान का अंतर है। और टियागो में आपको जाना चाहिए, आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने पूछा होता टियागो या इग्निस, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हमारे लिए भी जवाब देना, तो टियागो के ऊपर जाइए आप। जी बिल्कुल। अगला सवाल है राजा जी का, भाई फर्स्ट बाइक लेनी है, न्यू लू या सेकंड हैंड लू, 1 लाख का बजट है, सजेस्ट कीजिए कोई अच्छी बाइक जिसका माइलेज 50+ हो। देखो यार आपका बजट सेकंड हैंड के हिसाब से तो अच्छा खासा है, और लेकिन अगर सेकंड हैंड इस प्राइस के अंदर आप लेते हो बाइक, तो वो परफॉर्मेंस बाइकें मिलती हैं जिनका माइलेज जो है वो 50 के आसपास तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, 30, 35, 25 से लेकर के 35 के बीच के आसपास का ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इसकी बजाय तो आपको माइलेज मशीन ही चाहिए, तो नई ले लो, आपके नाम के ऊपर ही आएगी वो बाइक भी। तो कौन सी आप, मेरे ख्याल से हॉर्नेट ले सकते हो आप, अपाचे 160 ले सकते हो, मतलब 150 और 150 से 160 सीसी की बाइक जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, वो 50+ का माइलेज निकाल के दे देगी अगर आप सही तरीके से चलाएंगे तो। जी अगला सवाल है नवी सिद्धू का, सर मैं डीजल में इको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लस और XUV 300W8 में कौन सी गाड़ी लूं, दोनों ही डीजल है, दोनों ही टॉप मॉडल है, दोनों ही लाजवाब गाड़ी भी है, दोनों ही मानी हुई गाड़ियां भी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बजट का मेरे हिसाब से इशू नहीं है ना फिर इनको, तो XUV थोड़ी सी आपको पेप्पी जो है वो ज्यादा लगेगी, अच्छी गाड़ी है, चलाने में मजा आता है, थोड़ा सा स्पेस भी अच्छा है उसका, हालांकि बूट नहीं मिलेगा लेकिन जो पीछे जो बंदे बैठेंगे वो आराम से बैठ जाएंगे XUV में। प्लस पॉइंट क्या है कि आपको वहां पर महिंद्रा के अंदर कस्टमर केयर की सुनवाई भाई साहब आला दर्जे की है, बहुत बढ़िया कस्टमर की सुनवाई है, सेफ्टी वाइज भी क्वेश्चन नहीं कर सकते उस गाड़ी के ऊपर आप, ठीक है, 5 स्टार लेके आई, इनफैक्ट नेक्सॉन से भी थोड़ा सा ऊपर ही है वो। तो ऐसा नहीं है कि इको स्पोर्ट कोई खराब गाड़ी है, इको स्पोर्ट हमारी फेवरेट गाड़ियों में से एक है, लेकिन बजट अलाउ करता है तो XUV आपको एक बार लेनी चाहिए, अच्छी गाड़ी है। तो अगला सवाल है दीपक का, दीपक राणा जी हैं ये, वो पूछ रहे हैं कि हेलो सर क्या आप वैगनार लेना ठीक रहेगा, प्लीज सजेस्ट। देखो आपने ये नहीं बताया कि वैगनार का कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं आप, 1 लीटर वाला ले रहे हैं या फिर 1.2 लीटर वाला ले रहे हैं, क्योंकि 1.2 लीटर वाला की कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है। उस रेंज में आपके पास एक अच्छी खासी गाड़ी भी है जिसकी अभी हमने वीडियो बनाई है, उसका नाम है इग्निस। लेकिन यार दादा आपको नहीं लगता कि वैगनार 1.2 वाला ही लेना थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन भी है 1.0 की बजाय, तो डिपेंड करता है, अगर आपको वैगनार ही लेनी है तो की बात है, अगर आपको वैगनार क्यों लेना, अगर आप स्पेस आपको बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, एक लिमिट के अंदर ही आप चलाते हो, बहुत ज्यादा भगा भगा के नहीं चलाते हो गाड़ी, ठीक है, तो फिर आप वैगनार नो डाउट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1.2 लीटर वाला इंजन, 1 लीटर बिल्कुल मत लेना। लेकिन उसी के बावजूद मार्केट के अंदर और सारी गाड़ियां भी आ जाती है, इग्निस जो है इन्हीं का खुद का ही प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, टियागो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो हर्ष पूछ रहे हैं कि सर आई रिसेंटली परचेज ग्रैंड आइटन 1.1 CRDI 2016 मॉडल, 75,000 किलोमीटर चला हुआ था और हुंडई शोरूम से लिया है इन्होंने। कितना चला हुआ था? 75,000 किलोमीटर, एच प्रॉमिस, 2 ईयर की वारंटी है उसमें,
और इनको पड़ी ये 4 लाख की गाड़ी। इनको अब एडवाइस चाहिए कि एक डिसीजन सही था या गलत था, और इंजन की पावर के ऊपर हमने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, सेफ्टी, राइड क्वालिटी जो भी है, और फीडबैक चाहते हैं जो भी है। देखो दादा, पहली बात तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहते। मेरे ख्याल से इंजन के परफॉर्मेंस वाइज तो कोई बढ़िया इंजन वगैरह है नहीं, और साथ ही साथ आपने 75,000 चली हुई 4 लाख, लगभग 4 लाख के अंदर गाड़ी ले ली हो, ये भी थोड़ा सा महंगा सौदा करा। ठीक है, अगर ये चीज हम आपको ठीक बता दें तो यहाँ पर और जो भाई देख रहे हैं वो भी गलती कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये सच्चाई हम बताना चाहते हैं आपको कि थोड़ा सा खराब डिसीजन था वो आपका। और रही इंजन की बात, अभी हमने जो है एक्सेंट 1.1 CRDI का ओनरशिप एक्सपीरियंस किया हुआ था, मेरे चैनल में है, DDS में आप जाके देख सकते हैं। ओनर ने एक ट्रू फीडबैक दिया हुआ है उस गाड़ी का, हालांकि चलाने में चलेगा इंजन, आप उसे लेके कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपने प्राइस पे करे हैं उसमें थोड़ा सा और अच्छी बेहतर गाड़ी आपको मिल सकती थी, बहुत बेहतर मिल जाती, और अच्छी क्या, और बहुत बेहतर। मिस्टर फूकन पूछ रहे हैं कि काइंडली टेक दिस क्वेश्चन इन Q&A, हाउ प्रैक्टिकल इज टू ओन अ डस्टर इन 2020, देयर आर अदर ऑप्शन एज वेल, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जीमोज इन अदर कार मेक मी वंडर इफ दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। दिस इज बिकॉज आई हैव अ मारुति जैन 2002 विच इज स्टिल रनिंग ग्रेट आफ्टर 16 ईयर, आई वॉन्ट द सेम विथ माई नेक्स्ट कार एज वेल। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आपने 2002 जैन रखी हुई है, आपने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है, तब वो 16 साल तक चल रही है। ऐसा ही आज की गाड़ियों में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं आपकी सुविधा के लिए आए हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनसे फीडबैक मिलता रहता है कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, गाड़ी का इंजन अच्छी कंडीशन में है या नहीं। VS4 जब से आया है लगभग सारे ही सेंसर वगैरह आपको जो है हर गाड़ियों में मिलेंगे। वैसे ये सारे फीचर आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं जो कि चलते भी, ऐसा नहीं है कि चाइनीज माल वगैरह है सारा। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा सा वहम है, इस टाइप में नहीं जाना चाहते, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, कम दाम के अंदर आ जाएगी, कम सरदर्दी आपको लगेगी। ठीक है, और इत्मीनान से चलाइए दादा। और रही बात डस्टर ओन करने की, काफी अच्छी गाड़ी है, प्रूव कर रखा है इसने अपने आप को मार्केट के अंदर। वैसे इस प्राइस में अभी नई क्रेटा आ रही है यार, ऐसे क्रेटा और डस्टर का तो खैर जमीन आसमान का अंदर है, चलने में, सस्पेंशन वगैरह में, तो डस्टर ले सकते हैं, बिल्कुल भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पृथ्वेश पूछ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि AMT ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में ये CNG लगवाना चाहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि लगाने के बाद कोई दिक्कत आएगी क्या। एक्चुअली इनका प्लान चल रहा है टियागो AMT लेने का। अच्छा। उसमें ये CNG लगाएंगे। सॉरी, तो देखिए दादा, जो अभी मार्केट के अंदर जो फीडबैक हम लोगों को मिला है वो इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं है CNG लगा करके AMT के अंदर। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर, हालांकि हमने पर्सनली जो है वो चलाई नहीं है, 100% इसके ऊपर नहीं कह सकते ठोक बजा करके हाँ भाई मत जाओ या चले जाओ। तो ये चीजें जिस दिन चला लेंगे उस दिन के बाद आपको बता देंगे कि हाँ भैया बिना चलाए इस चीज का हम लोग वो नहीं कर सकते। बाकी जो मार्केट से आ रहा रिस्पॉन्स, तो रिस्क ना लो तो बेहतर है। और अगर आपके पास या आपके जानने वालों के पास AMT के साथ साथ CNG वाली गाड़ी है, हालांकि हमें CVT की तो आई हुई है रिक्वेस्ट, हम बहुत जल्द उसको कवर भी करने वाले हैं, लेकिन AMT की रिक्वेस्ट नहीं आई है, AMT प्लस CNG अगर है आपके पास तो आप बताइए हमें। तो दोस्तों, ये थे आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनका हमने जवाब देने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि आपके जो है वो सॉल्यूशन आपको मिला होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट Q&A के अंदर। हमारी जो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स जो है वो नीचे दिए गए हैं। और समाप्त करते हैं इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो ये सीट बेल्ट जो है ये लगा लीजिएगा, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जो है वो जरूर पहन लीजिएगा। और इसके बारे में क्या कहें, इतनी तो घर की खेती बढ़ जाएगी यार, ना कमेंट करो तो ज्यादा बढ़िया। जब मैंने इसको पहली बार देखा आज मैं हंसते हंसते पागल हो गया, मैंने पहचाना ही नहीं, ये दावन काट दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।